आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पानी का प्रयोग करके अपनी लाइफ में किस प्रकार से ग्रहों को हम अपने फेवर में लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे ब्रह्मांड में जो जल का एलिमेंट है वो 70% है, हमारी बॉडी में भी 70% जल है। हम जब भी कहीं से थक कर हार कर आते हैं तो हम पानी का जैसे ही प्रयोग करते हैं या पानी पीते हैं तो हमारी थकावट दूर हो जाती है। हम कहीं गुस्से में होते हैं, पानी पीते हैं तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है। हम जैसे ही हमारा गला सूखता है, हम पानी पीते हैं तो हमारा जो गला है वो तर हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ को बनने में या बनाने में पानी का एक विशेष महत्व है। तो पानी पीकर हम बहुत से कार्य अपनी लाइफ में सिद्ध कर सकते हैं। तो एकमात्र पानी से हम किस प्रकार से अपने लक को इन्हेंस कर सकते हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको YouTube में या आपके जो सोशल मीडिया में आपको सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बनाने हैं तो आपको सूर्य देवता को संडे को जल देना चाहिए। तो सूर्य देवता जो है वो नेम एंड फेम के कारक हैं, आपकी आत्मा का कारक हैं। यदि आप सूर्य देवता को जल देने मात्र से आपके नेम एंड फेम में वृद्धि होगी। यदि आपको लगता है कि आप इमोशनली थोड़े से वीक हो रहे हैं, आपका इमोशन इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। या फिर ऐसी औरतें जिनके बाल सफ़ेद हैं या बुजुर्ग औरतें हैं, आप उनको जल या दूध का सेवन उनको करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो इमोशनली बैलेंस है वह मजबूत होगा। यदि आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी थकावट मान लेते हैं, आप बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, तो आपको मंगल को मजबूत करना चाहिए। मंगल यानी कि हार्ड वर्कर, ऐसे लोग जो हार्ड वर्किंग करते हैं, जैसे आपके घर पे कोई कोरियर देने आया, कोई सामान देने आया, या घर पे कोई लेबर काम कर रही है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ऐसी लेबर को यदि आप पानी पिला देते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है। और मंगल यानी कि वह आपके कर्जे का यानी कानूनी विवाद का भी कारक है। ऐसा करने से आप उन समस्याओं से भी बाहर आ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं वीक है, आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको छोटे छोटे बच्चों को पानी पिलाना चाहिए। आपको पौधों में पानी डालना चाहिए, पौधे ग्रीन पौधे जो कि बुध ग्रह से देखे जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि मेमोरी आपकी फास्ट होने लगेगी, आपकी चीज़ें एकदम से इम्प्रूव होने लगेगी। यदि आपको लगता है कि गुरु ग्रह, यदि आपके काम नहीं बन रहे हैं, कामों में डिले हो जाती है, क्योंकि किसी भी काम को बनना या बनाना गुरु ग्रह के हाथ में होता है, तो आपको किसी भी स्पिरिचुअल जगह में जाकर यानी कि आप किसी भी गुरुद्वारे में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर आप वहाँ पे पानी या फिर दूध बांट सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा और जो काम रुके हुए हैं वह काम भी आपके बनने लगेंगे। आप शुक्र, यदि आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको लग्जरी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी या बड़ा घर चाहिए, तो आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। तो किस प्रकार से पानी से आप शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, आपको दूध के अंदर थोड़ा सा शरबत मिलाकर यानी कि जब दूध का रंग थोड़ा सा पिंक हो जाए तो इस प्रकार का दूध आप किसी लोगों को बांट सकते हैं, यानी कि शरबत। अभी तो गर्मी का मौसम है, लोगों को बांट सकते हैं, शोर लोगों को पिला सकते हैं, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपको अथा पैसा दौलत बड़ी गाड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलने लगेगी। यदि आपको लगता है कि आपके घर पे एम्प्लॉय नहीं टिक पा रहे हैं, आपके लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, जिंदगी में ठहराव की कमी है, तो इसका मतलब शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। यदि शनि ग्रह को आपको मजबूत करना है तो किस प्रकार से पानी से आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको गरीब लोगों को पानी पिलाना है। ऐसे जो लोग जो रोड पर बैठे हुए हैं, साइड के अंदर बैठे हुए हैं, आप ऐसे लोगों को पानी पिलाइए। या फिर आप अपने ही ऑफिस के या अपने ही घर के कर्मचारियों को पानी पिलाइए या उनको दूध बांटिए। आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका शनि ग्रह भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह। राहु का काम क्या है, किसी भी काम को बनते बनते न बनना। कई बार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे नहीं बन रहे हैं, बनते हैं या बनते बनते रुक जाते हैं, तो आपको पक्षियों को पानी पिलाना है। यदि आप पक्षियों को पानी पिलाते हैं तो आपके जो काम नहीं बन रहे हैं बनते बनने लग जाएंगे, जिंदगी में ठहराव सा आने लगेगा। जो काम पैसा आता तो बचता है लेकिन बचता नहीं है, यदि आप पक्षियों को पानी पिलाना शुरू कर देंगे तो आपका ये काम भी होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। यदि आपको लगता है कि आप अपने स्पिरिचुअल को के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं, अपना कनेक्शन गॉड के साथ में भगवान के साथ में करना चाहते हैं, तो आपको केतु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। तो मतलब आपको कुत्तों को पानी पिलाना चाहिए, आपको कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका केतु ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने यह बताया कि किस प्रकार पानी मात्र से आप 9 के 9 ग्रहों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। यदि आप सभी काम कर लेते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे और आपके लिए काम करने लग जाएंगे। करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा।